हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम भिंडी बनाने जा रहे हैं एक कास्ट ट्रिक के साथ में, जो हमारी भिंडी खिली खिली भी होगी और हरी भी होगी, हमारी भिंडी काली नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं भिंडी की सब्जी। तो मैंने यहाँ पर भिंडी ली है 750 ग्राम, मतलब कि 1 किलो में 250 ग्राम गम, 750 ग्राम मैंने भिंडी ली है। इसको मैं अच्छे से पानी से धो रही हूँ। पानी को धोने के बाद में इसको मैं टॉवल से पोंछने की ज़रूरत नहीं समझूंगी, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत अच्छी चल रही है, गरम गरम, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है राजस्थान में। मेरे ट्रिक से बनाओगे आप भिंडी की सब्जी तो आपकी एकदम भिंडी खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी वो चिपचिपा होकर होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। भिंडी को बिना टॉवल के सुखाए बिना ही मैं काट रही हूँ, आप देखना कितनी खिली खिली बनेगी। तो अब आपको है ना भिंडी को एक साइज से काटना है, बड़ा छोटा नहीं काटना है। हमारी दुकान पर कालू भैया रहते हैं, आज वो फिसल के गिर गए। तो जैसे मुझे पता चला मैं भागी दौड़ी, लेकिन वो 3-4 सीढ़ियों से गिर चुके थे उससे पहले ही। आवाज़ आते ही दौड़ तो लगाई थी, लेकिन वही बात है, जो गिर जाता है गिर ही जाता है। तो उसको उठाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बाज़ार में ही रहती हूँ। कमेंट आते हैं कि आपके शोर बहुत रहता है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कोर्ट गेट पर ही रहती हूँ बीकानेर में। तो यहाँ ट्रैफिक रहता है हर वक्त, इसीलिए हमने एक नया मकान ख़रीदा है, उसमें कभी कभार जाते हैं, क्योंकि वहाँ अभी मेरा मन लगा नहीं है। तो मैं यहाँ मम्मी जी के पास में रह कर ही काम करती हूँ, यहीं रह जाती हूँ। तो उनका भी मन नहीं लगता है, वो भी बोलते हैं कि आप लोग मत जाओ, यहीं रह जाओ। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों का भविष्य है, बच्चों की कोचिंग क्लास ही वहीं पर ही है। हमने जो नया घर ख़रीदा है वो यहाँ इस घर से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे डेली वहाँ अप डाउन करते हैं। बच्चों की स्कूल पहले वहीं थी, तो इन बच्चों के पापा छोड़ कर आते थे और लेकर भी आते थे, दोनों टाइम वही जाते वही लेकर आते थे। लेकिन अब क्या है ना कि भाई कोचिंग क्लास में डाल दिया बच्चों को, तो अब बच्चों को एकांत चाहिए पढ़ने के लिए, यहाँ शोर शराबा बहुत रहता है। भिंडी को काटते काटते ये सूख गई है, क्योंकि राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है तो हर चीज़ पापड़ बन जाती है, तो ये तो भिंडी क्या चीज़ है उसके सामने। तो ये भिंडी सूख गई है, देखो पानी दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं है पानी, भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहा, ये सूख जाती है। और ऊपर से पंखा भी चलता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसको ना टॉवल से पोंछने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे तो कभी भी नहीं, मैं सर्दियों में बनाती हूँ ना तब भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। बस एक खास ट्रिक के साथ में बनाना है, उस तरह से बनाओगे तो आपके इसमें चिपचिपा हैपन बिल्कुल भी नहीं आएगा भिंडी में। तो मैं आज आपके साथ इसी वजह से ये ना भिंडी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना 2 प्याज लिए हैं और हरी मिर्च को भी लिए हैं। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जैसे आपको लगे कि हरी मिर्च आपको ज़्यादा पसंद है तो डाल लेना, लेकिन आप इसमें हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हरी मिर्च का भी और भिंडी के साथ में हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप है ना ट्राई करना। हरी मिर्च के मैंने डंठल हटा लिए, आज बीज नहीं निकालूंगी। और 2 प्याज को भी मैंने छिलके उतार लिए, इसको भी साफ़ कर लिया है, और इन दोनों को साथ में धो लूँगी एक टप में। इनको धोने के बाद में इसमें है ना दोनों को साथ में काट लेंगे।
लेकिन डालेंगे अलग अलग तरीके से। तो इधर मैं जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और डाल दूंगी तेल। ये तेल गर्म होगा तब तक मैं अपने जो प्याज और हरी मिर्च है वो भी काट लेंगे साइड में, क्योंकि थोड़ा सरसों का तेल है, अगर अच्छे से तेल गर्म नहीं करेंगे तो इसमें थोड़ी स्मेल आएगी, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसको थोड़ा, जब ये थोड़ा हल्का हल्का धुआं उठने लगे ना, तभी ये सरसों के तेल में हमेशा बघार लगाना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज और हरी मिर्च काटने के बाद में कुछ लहसुन की कलियां हैं, उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ये लहसुन मेरे पास पहले से ही छिला हुआ था, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो अब इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, तो तेल में हम ये जीरा और लहसुन डाल देते हैं। ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, चटक जाएंगे, तो प्याज डाल रही हूँ मैं अब। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, ब्राउन हो जाएंगे तभी हम भिंडी को डाल देंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन भी हो गई और सॉफ्ट भी हो गई, तो अभी भिंडी की बारी आती है, तो भिंडी डाल देंगे। भिंडी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू ऊपर नीचे करते रहना है, इसको चलाते रहना है, नहीं तो भिंडी थोड़ी लग जाएगी, चिपक जाएगी। और आपको है ना, आँच को है ना, गैस की आँच को तेज ही रखना है, हाई फ्लेम पे रखना है, मीडियम लो फ्लेम पे भी नहीं रखना है आपको। तेज फ्लेम पे रखोगे ना, तभी भिंडी खिली और अच्छी बनेगी। भिंडी जल्दी पक जाती है, तो इसको ऊपर नीचे करेंगे तभी पक जाएगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 4 से 5 मिनट लेगी। ऊपर नीचे करते हैं तभी लेगी, वरना तो ना ऐसा कोई, बहुत लोग होते हैं जो ढक्कन लगाते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आप ढक्कन मत लगाया करो, क्योंकि ढक्कन लगाने से इसका जो कलर हो जाता है ना, वो चेंज हो जाता है, हरा कलर नहीं रहता इसमें।
भिंडी को लगातार चलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है। भिंडी का चिपचिपा हट चुका है और तेल भी इसने छोड़ना चालू कर दिया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें सभी मसाले। मसालों में है 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 2.5 चम्मच है नमक पाउडर। तो इन सभी को अच्छे से मिलाना है। साथ ही में मैंने उस मसालों में ही है ना अमचूर डाल दिया था 1/2 चम्मच। आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसी अच्छी बन जाएगी। आप ऊपर से नींबू डाल सकते हो। अब ना गैस को आप धीमी आंच पे करना है। जब मसाले सेकते हैं ना तो गैस को ना एकदम लो फ्लेम पे कर देना है, ताकि ना भिंडी के जो मसाले होंगे ना चिपकेंगे अच्छे से और वो जलेंगे नहीं। तो ये देखो भिंडी बनकर हो गई है मेरी तैयार अच्छे से, और खाने वाले भी हो गए तैयार, क्योंकि आज मैं मार्केट गई थी, लेट हो गया था मुझे आने में। तो आती मैंने भिंडी, मैं यही सोच रही थी कि फटाफट से सब्जी कौन सी बनाऊँ, तो मुझे भिंडी मिली थी फ्रिज में, मैंने भिंडी बनाना चालू कर दिया था। भिंडी के ऊपर मैंने एक बार भी देखो ढक्कन नहीं लगाया, ऐसे ही मैंने पकाया है। भिंडी हमारी पक चुकी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें, ऊपर नीचे करने से ये भिंडी पक जाती है। तो एक बार ढक्कन आप ना ही लगाओ तो अच्छा रहेगा, भिंडी पर ढक्कन लगाने से चिपचिपापन आ जाता है, बस यही कारण है। तो अगर आपको यह रेसिपी भिंडी की पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भिंडी के ऊपर बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, देखो एक एक भिंडी हो गई है। तो इसी तरह से आप भिंडी बनाओगे तो आपकी बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं बनेगी।